हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डार्क लाइट गेमिंग वाइट। और वापस से आ चुका हूँ मैं एक और नए गेम प्ले के साथ। आज फाइनली मेरा लास्ट टैलेंट जो है ना खुल गया है। तुम लोग भी यही सोच रहे हो कि मैं इतने दिन से कहाँ था और वीडियोस वगैरह डाल नहीं रहा था। एक्चुअली इस वजह से नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं बहुत तगड़ा ग्राइंडिंग कर रहा था। मतलब यार, मुझे भी तो लास्ट वाला टैलेंट चाहिए है ना, और उसके लिए रिफ्ट कीज भी चाहिए। रिफ्ट की नहीं तो एटलीस्ट बहुत सारे शार्ट चाहिए, और हॉन्जू का खुल रहा था, बहुत सारे शार्ट उसके लिए भी बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं अच्छी खासी ग्राइंडिंग। तो वही कर रहा था इतने दिन से, इसलिए वीडियोस वगैरह कुछ नहीं कर रहा था। मैं केवल गेम पे गेम खेल रहा था। कितने स्टोरीज खेले तुम लोग सोच नहीं सकते यार। ओके, और यहाँ पे बस 98 हो चुके। दो और शार्ड चाहिए मेरे को अपना जो है हॉन्जो पूरा का पूरा करने के लिए। ओके, और अभी मैं दो स्पिन कर सकता हूँ 10-10 वाले, इसमें तो मिल ही जाएगा आराम से। और इसी में ही एक्चुअली मिलेगा भी। यहाँ पे 99 शार्ड हो चुके हैं। अगले स्पिन के अंदर जो है मेरे को हॉन्जो पूरा का पूरा मिल जाएगा 6 टैलेंट के साथ। फेट ऑफ थर्स्ट जो है ना टैलेंट मैं यूज़ करना चाहता था बहुत समय से, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यार गेम के अंदर, तुम लोग समझ जाओगे। देखो फेट ऑफ थर्स्ट, मैंने फेट ऑफ रूथलेसनेस नहीं यूज़ किया, मैंने फेट ऑफ थर्स्ट ही रखा अपने पास। तुम लोग देखोगे कितना ज़्यादा अच्छा टैलेंट है वो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। देखो चलो एग्जांपल से समझते हैं क्यों। देखो फेट ऑफ थर्स्ट ऊपर वाला है और मैंने 3 बेसिक अटैक किया और ट्रिम पूरा हो गया है ना, और नीचे वाला विदाउट 6 टैलेंट है और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो है ना एक बेसिक मार दिया, उसके बाद भी हल्का सा बच गया मेरा ट्रिम का बार। ये है, ये अंतर है 6 टैलेंट के होने और ना होने में। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं इस गेम प्ले के अंदर। यहाँ पे इस प्लेयर का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम और मेरे पास ईतू रखा हुआ है और उसके पास जैक बुलवर्क है। और फाइट स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास बिहोल्ड द फ्यूचर है विथ क्रिटिकल बिल्ड। वैसे मैं क्रिटिकल बिल्ड यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या था कि धोखे से इस क्रिटिकल बिल्ड के साथ आ गया, क्योंकि मैं डार्क के साथ प्रैक्टिस कर रहा था ईतू का इस गेम के पहले, ताकि मैं ईतू अच्छे चला सकूँ ऑफकोर्स, क्योंकि लीडर बोर्ड ग्राइंड करना था मेरे को और ईतू चाहिए था मेरे को अपनी टीम के अंदर। मार्कस भी था इसके पहले, क्योंकि लीडर बोर्ड में अच्छे से ऊपर जाने के लिए मेरे को अपना स्पेशल कैरेक्टर भी तो रखना पड़ेगा जिसको मैं अच्छे से यूज़ करता हूँ, और मार्कस मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ। और मैं था भी लीडर बोर्ड के अंदर, टॉप 100 गया था, फिर वहाँ से लात मार के मेरे को टॉप 100 से बाहर निकाल दिया हरामी लोग। लेकिन चलो कोई ना, बहुत सारे कैंपर्स थे यार, सच में बहुत ही सारे थे, और मैं कैंपर्स के अगेंस्ट बहुत बार वीक पड़ जाता हूँ, कैंपिंग करने लगता हूँ मैं कैंपर्स के सामने। और मेरे को पता होना चाहिए ये चीज़ कि मैं कैंपर्स से अच्छी कैंपिंग नहीं कर सकता। मतलब यार ऊपर जो है ना लोग शेंग, यूका या ईतू और एक और है ना जियांगसु और जैक बुलवर्क, इन चारों और क्लैड भी ऑफकोर्स, इनके अलावा तो कोई बात ही नहीं कर रहा इनसे नीचे, सारे के सारे यही लेके रखे हैं यार, पागल कर दिया इन लोगों ने हद से ज़्यादा। और जो मतलब सार यूज़ कर रहे हैं वो कमांडर प्लस वाले, हरामी कमांडर प्लस के अलावा कुछ मारते नहीं हैं, मतलब मैं पागल हो चुका हूँ यार। लेकिन फिर भी अभी 103 पे हूँ, #103 पे जब मैं ये गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब जब ये वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ तब। यहाँ पे उसके पास फोर्ट्रेस है और वो हीलिंग भी बड़ी अच्छी ले रहा है, अच्छी खासी लंबी हीलिंग है, लेकिन जो खतरनाक वाला बिल्ड है ना ये इसके पास नहीं है। और वापस से हील मार लिया, अरे भाई थोड़ा सा कम फ्रैक्चर दो सर। और यहाँ पे फाइनली एक ग्रैब मिल गया है मेरे को, क्या मैं इसको मार पाऊँगा यहाँ पे? इस हैवी के साथ भी नहीं मेरा, चलो कोई नहीं, और थोड़ा सा ही हेल्थ बचा है, बस एक हैवी किक भी अगर कर दूँ तो मर जाए, लेकिन डर लग रहा है यार। मतलब तुम देख रहे हो ना कितना ही मतलब कम हेल्थ है, उसके बाद भी बार बार जो है ना ये मेरे को वो कर दे रहा है, पीट दे रहा है, जबकि मैं इतना पैसिव खेल रहा था। फोर्ट्रेस की पावर है ऑफकोर्स, मतलब तुम सोचो मैं इतना ज़्यादा पैसिव था, अगर मैं एग्रेसिव खेलता तो वो कितना पीटता मेरे को, इसलिए फोर्ट्रेस अगर आए ना तो तुमको कोई रिस्क नहीं लेने का बाबू, एकदम आराम से पैसिव पैसिव खेलो, और अगर मार सको तो फिर मार लो, अगर नहीं मार सकते तो फिर मर जाओ, उससे ज़्यादा और तुम कुछ कर भी नहीं सकते, फोर्ट्रेस इतना ज़्यादा ओपी है। ओके, यहाँ पे उसको ब्लॉक ब्रेक मिल गया है, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और मैंने लोवर मारा, कोई फ़ायदा नहीं था लोवर का, एक स्पेशल मारने के चक्कर में वो ग्रैब हो गया। यहाँ पे स्पेशल किक लगा मेरा, यह हैवी किक भी लगा और इस ट्रिम्प के साथ उसको बहुत सारा डैमेज पड़ा और मैंने गधापंती करी दी। मेरे को लग रहा था इतने समय से मैं कर गया रहा हूँ, ऐसा कुछ गधापंती मैं कर क्यों नहीं रहा, यहाँ पे मैंने की ना, मतलब पता है कि यहाँ पे उसके पास है शेडो और वो कभी मार सकता, तो क्यों ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम करना है। और यहाँ पे जो है अर्थक्विक के चक्कर में फंस गया, मेरे को लोवर करना चाहिए था हमेशा, अगर तुमको लग जाए और अपोनेंट मैं पीछे चला जाए और वहाँ पे अर्थक्विक के चक्कर में गिर जाए तो लोवर अटैक करना, ठीक है ना, वो मतलब कनेक्ट हो जाता है, ऐसे किक वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लगता नहीं बहुत बार। ओके, यहाँ पे जो है इसको नहीं लगा क्रिटिकल, लग गया यार मेरे को फालतू में, हट, चलो ठीक है कोई नहीं। यहाँ एक और बार मैं फुल जड़ी मारने के चक्कर में फंस गया है यार, छी
मैं कितना बेवकूफ हो जैसे खेला। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे अब हॉन्जू मर चुका है तो ये वाला गेम प्ले बंद करते हैं। ये देखो मैं जीत गया था वाला मैच। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू जीता नहीं था इसलिए पूरा मैच नहीं दिखाया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जीत गया था, लेकिन आपको इस गेम प्ले का दिखाने का कोई मतलब नहीं आगे का। यहाँ पे हॉन्जू के ऊपर है ना वीडियो, इसीलिए। ओके, ये दूसरा वाला प्लेयर, इसका नाम है अटलांटियन। इसके साथ मैं बहुत बार टॉक्सिक हो चुका हूँ और ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, लेकिन इस वाले गेम प्ले के अंदर इसने काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला इसने। ओके, इसके पास है यहाँ पे ये यूका, और मैं जैसा कि कह रहा था कि सभी लोग यूका यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बहुत अनोइंग भी है। यहाँ पे क्रिटिकल लग गया है मेरे को। बाय द वे ये वाला जो गेम प्ले है ना, जस्ट पिछले वाला बंदा जो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम था उसके बाद वाला ही गेम प्ले है ये वाला, मतलब उसके बाद जस्ट मैं इसी से मिला था 3v3 में। उस बीच मैंने कुछ AI से खेला था ताकि अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर सकूं मैं ये हॉन्जू को, और फिर हाथ में बैठ गया था बहुत ही ईजिली। ओके, यहाँ पे फिर से एक तो हैवी लग गया यार, और एक और हैवी इसने मारा। ऐसे हैवी मत मारो सर, बुरा लगता है। और मेरे पास टाइम मैनिपुलेशन था और मैंने वेस्ट कर दिया, बहुत ही अच्छे से टाइम मैनिपुलेशन वेस्ट किया मैंने। एक और स्पेशल मारने की नाकाम कोशिश, और इसी के साथ क्या मैं ख़त्म होऊंगा? नहीं, इसके साथ मैं ख़त्म होऊंगा। चलो फिर से मेरा ईतू जो है एकदम बेकार तरीके से मर चुका है, बहुत ही बुरी मौत मिली इसको। खैर कोई नहीं, अब अपन का हॉन्जू वापस आ चुका है। लूंज फ्लेम, ऐसे ही नाम है ना इसका, या लूंग फ्लेम इस वेपन का नाम है। उस वेपन के साथ फायर लगा देता है अपोनेंट के ऊपर, आग लगा देता है, आग लगा देता है। ओके, फाइट स्टार्ट। और हॉन्जू के साथ अब मेरे को प्रैक्टिस भी थी इस वाले मैच में, अच्छा खासा मैंने मैच खेल भी लिया था इसके पहले, मतलब एक 3v3। और फिर सीधे सीधे इसके साथ है तो इंटरप्शंस बहुत अच्छे हो रहे थे। हॉन्जू के साथ आना चाहिए ना तुमको कि इंटरप्ट तुम कर सको अपोनेंट को। ओके, यहाँ पे रेज अटैक, और मेरे को बिल्ले ने पकड़ लिया, हरामी बिल्ला साला। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चिल 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 भाई चिल। यहाँ पे स्पेशल लग गया है, और एक स्पेशल के साथ मेरा जो है पूरा पूरा ट्रिम फुल हो गया। उसने एक फ्री का ग्रैब दे दिया, और यहाँ पे स्पेशल किक लगा, स्पेशल किक के बाद ट्रिम भी फुल लगा, फिर से एक स्पेशल किक लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उसका। एक और मतलब बेसिक किक, लेकिन चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसने ब्लॉक कर लिया है। और क्या मैं एक और ट्रिम मार ख़त्म कर पाऊँगा? हाँ, मैंने ख़त्म कर दिया है, और मैं अगले वाले मैच में अपना ऑलमोस्ट फुल हेल्थ लेके आऊँगा। बाय द वे न्यूरो ने कहा था कि पूछ लेना एक चीज़ लोगों से, मैं पूछ लेता हूँ कि एक तो मैं कल वीडियो सोच रहा हूँ कि एक पूरे कैरेक्टर को अच्छे से समझा दूँ, मतलब उसकी एबिलिटीज़, उसके कुछ कॉम्बोज और बाकी सभी चीज़ें भी, मतलब बिगनर्स के लिए ही होगा पूरा पूरा वीडियो, कि कौन सा टैलेंट तुमको लेना चाहिए, कौन सा टैलेंट तुमको नहीं लेना चाहिए। क्या तुम लोग उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो? जो एकदम मतलब अभी बस चालू ही कर रहे हैं गेम को और थोड़ा बहुत ही आगे पहुँचे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी है, सीखनी है। ऑफ कोर्स मैं कोई प्रो नहीं हूँ बहुत बड़ा कि तुमको सब एकदम ऐसी चीज़ें सिखा दो कि तुम टॉप लीडर बोर्ड पे चले जाओ, टॉप 10 पे मैं खुद नहीं जा पाता, सही है, लेकिन लीडर बोर्ड तक तो तुम जा ही सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। पर मैं उसके जो है टैलेंट्स वगैरह और उसके कॉम्बोज, ये दोनों के दोनों चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉम्बोज लग जाते हैं और कौन सा टैलेंट किस वाले टैलेंट के साथ मैच करता है, ताकि एक अच्छा सा जो है ना टैलेंट का ट्री बना सको तुम लोग। उसके बिना तो अच्छे से नहीं खेल पाओगे ना, मतलब ऑफकोर्स सारे कैरेक्टर क्लैड नहीं होता कि उसके सारे के सारे टैलेंट्स अच्छे ही हों और कोई भी टैलेंट कहीं पर भी डाल दो तो अच्छे से चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। खैर बताना तुमको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए कि नहीं। ओके, यहाँ पे जो है हॉन्जू ने इसके जो है मिडनाइट को हरा दिया है। अगर मैं अच्छे से खेलूँ तो यहाँ पे एक OCV मार सकता हूँ, मेरे पास ट्रिम्प का फुल चार्ज है और आते ही मैं मार दूंगा यार ट्रिम्प को ताकि अच्छे से चल जाए। लेकिन ये क्या हुआ यार, अरे मैंने तो अच्छे से मारा था भाई, हैं अरे अरे ये तो लगना था यार, देखो एकदम मतलब जस्ट सामने ही तो था, अरे ये तो लगना था यार। ये SMA वाले हमेशा ही मेरे साथ ऐसा कुछ कर देते हैं कि मेरे को बुरा लग जाता है। खैर कोई नहीं, फिर से वापस से मैंने फुल कर लिया था ऑलमोस्ट अपना ट्रिम्प और वापस सब फुल हो चुका है, सही टाइम पे बस मारने का वेट करना है मेरे को, और वापस उसको ट्रिम्प लग गया, बेचारा बच भी नहीं पा रहा है, इतना अनॉइंग हो सकता है हॉन्जू। और फिर से लग गया, एक गलती कर दिया मैं, ये एक्चुअली इस गेम प्ले में दूसरी या तीसरी ही बस गलती होगी मेरी हॉन्जू के साथ। ओके, ये एक और गलती, मैं ग्रैब कर सकता था अगर दूर रहता तो, उसने स्पिनिंग मारा था। स्पिनिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा अनब्रेकेबिलिटी देती फॉर श्योर, लेकिन अगर अच्छे से तुम डॉज कर लिए तो तुमको एक फ्री का ग्रैब भी मिल सकता है। ओके, और वापस से मेरा फुल हो गया है ट्रिम्प, और वापस से मैंने एक ट्रिम्प को मार दिया, मैंने स्पैम किया बहुत अच्छे से ट्रिम्प को, लेकिन ट्रिम्प का स्पैम कोई स्पैम नहीं होता एक्चुअली, मतलब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा वो ऐसे ही खेलते, तो मैं भी ऐसे ही खेल रहा हूँ। ज़्यादा अगर मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँगा तो पिट जाऊँगा मैं, इसलिए मैं नहीं बन रहा भाई। बहुतों को गाली नहीं पड़ी तो मेरे को भी नहीं पड़ेगी, ऐसा सोच के मैं मार देता हूँ। और वैसे भी वेट करना भी तो अच्छा नहीं है,
कि मतलब मैं रखे रहूँ अपने पास स्टैम्प, अब फुल तो हो ही जा रहा है, अब मैं रखे रहूँगा तो भी अपोनेंट गुस्सा आ जाएगा कि भाई तू मार क्यों नहीं रहा, तेरे चक्कर में पैसे हूँ मैं नहीं आ रहा, ये सब बोलने लगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मार ही दो, क्या सोचना ज़्यादा। यहाँ पे इसने लोअर मारा, मैंने ब्लॉक कर लिया है, ये स्पेशल अटैक कनेक्ट हुआ, एक और स्पेशल का थोड़ा सा टुकड़ा कनेक्ट हुआ, ये हैवी, ये दूसरा हैवी, और मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इसके साथ, मतलब हल्की सी ही गलती थी, और यहाँ पे एक और गलती, ये एक और गलती, इतना तो गलती चलो बनता है, मैं जीत सकता हूँ ईजिली यहाँ पे भी। और अरे लैग हो रहा है, अरे भाई नहीं, अरे नहीं, अरे यहाँ पे नहीं, अरे सरकार यहाँ पे नहीं, कहीं और कर लेते यार, अगले वाले मैच में कर ले भाई, ऐसे लैग नहीं करना चाहिए जनाब, यही दिक्कत है मेरे को पता है इस गेम के साथ, जब मैं जीतने लगूंगा तभी ये सब लैग हो रहा था, अभी तक नहीं हो रहा था, अब सडनली और मेरे ही ऊपर आ रहा है कि मैं जो है ना मेरा वो नेटवर्क अच्छा नहीं है, जबकि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन चलो कैसे वैसे करके अपन जीत गए, अगर नहीं जीत पाते तो मेरे को बहुत बुरा लगता है लैग के कारण, पर अब जीत गए हैं तो कोई बात ही नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।